कमेंट किया। स्पीकर सतीश महाना हंसकर कमेंट को टाल गए, लेकिन सपा विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया। सुरेश खन्ना ने बीच बचाव कर मामले को निपटाया। अपशब्द बोलकर विधानसभा में फंसे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह ने सदन में किरकिरी कराई। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विवादित कमेंट किया। स्पीकर सतीश महाना ने हंसकर कमेंट को टाल दिया। हंसकर कमेंट को स्पीकर टाल गए, लेकिन सपा विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया, जोरदार हंगामा किया सपा विधायकों ने। सुरेश खन्ना ने बीच बचाव कर मामले को निपटाया। अपशब्द बोलकर विधानसभा में फंसे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह ने सदन में किरकिरी कराई। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विवादित कमेंट किया। स्पीकर सतीश महाना ने हंसकर कमेंट को टाला, लेकिन सपा विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया। सपा विधायकों का सदन में जोरदार हंगामा। सुरेश खन्ना ने बीच बचाव कर मामले को निपटाया। अपशब्द बोलकर विधानसभा में फंसे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में किरकिरी कराई। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विवादित कमेंट किया। स्पीकर सतीश महाना ने हंसकर कमेंट को टाला, लेकिन सपा विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया। डगमार बसों को लेकर अतुल प्रधान ने, सपा विधायक अतुल प्रधान ने मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अतुल प्रधान में जमकर बहस। जिस बीच अपशब्द बोलकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सदन में किरकिरी कराई। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विवादित कमेंट किया दयाशंकर सिंह ने। दयाशंकर सिंह का विधानसभा अध्यक्ष पर विवादित कमेंट। स्पीकर सतीश महाना ने हंसकर कमेंट को टाला, लेकिन सपा विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया। सुरेश खन्ना ने बीच बचाव कर मामले को निपटाया। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मानसून सत्र के आखिरी दिन सपा विधायक अतुल प्रधान ने डग्गा मार बसों का मुद्दा उठाया था, जिस दौरान दयाशंकर सिंह और अतुल प्रधान में तीखी नोकझोंक चल रही। इस बीच क्या कुछ कमेंट कर दिया है दयाशंकर सिंह ने अध्यक्ष जी को? देखिए बिल्कुल त्रिशला, आज जो सदन का है वो पांचवा और अंतिम दिन है, और इस दौरान जो तमाम मुद्दे कह सकते हैं बाकी रह गए थे, उन पर आज चर्चा हो रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की बात करें, उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के विधायक की बात करें, अतुल प्रधान ने देखिए जिस तरीके से डग्गा मार बसों को लेकर एक मुद्दा उठाया, और उसके बाद दयाशंकर सिंह का साफ तौर पर कहना यह था कि कोई भी डग्गा मार बस जो है वो नहीं चल रही। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ कहा, लेकिन दयाशंकर जो परिवहन मंत्री हैं, दयाशंकर की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो है वो अपना एक विरोध दर्ज कराया है कि एक परिवहन मंत्री जो है वो इस तरीके की जो टिप्पणी है वो विधानसभा अध्यक्ष यानी सतीश महाना के लिए कैसे कर सकता है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इसको लेकर दयाशंकर सिंह को घेरा है। और उसी के साथ साथ देखिए विधानसभा अध्यक्ष हालांकि इस बात को हंसते हुए नजर आए, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना कितना उचित है, और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह क्या सच्चाई से उनको सच्चाई की नॉलेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए या तमाम अन्य जगहों की बात करी जाए कि कितनी मात्रा में डग्गा मार बसें चल रही हैं, और सदन में इस तरीके से झूठ बोलना क्या उनको शोभा देता है। इसको लेकर एक कह सकते हैं कि तीखी जो नोकझोंक है वो विपक्ष और विपक्ष के बीच में हुई है। दयाशंकर सिंह लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि कोई भी डग्गा मार बसे नहीं है, परिवहन विभाग जो है वो चुस्त दुरुस्त चल रहा है, लेकिन अतुल प्रधान ने जब ये सवाल उठाया और उसके बाद जब दयाशंकर सिंह ने सवाल को उठाया तो दोनों नेताओं के बीच में एक तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि जो वित्त एवं संसदीय मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया, विधानसभा जब अध्यक्ष ने कुछ बोला इसके बाद जो दयाशंकर की जो टिप्पणी थी विधानसभा अध्यक्ष के लिए वो सपा नेताओं को नागवार गुजरी, और उन्होंने इस मुद्दे पर दयाशंकर सिंह को सदन में घेरा।
संदीप, देखिए जिस प्रकार से बात अगर डग्गामार बसों की जाए तो समाजवादी पार्टी हमेशा से इन मुद्दों को लेकर के हमलावर रहा है। छोटी सी भी अगर बसों में गड़बड़ी आती है तो लगातार ट्वीट करते हुए नजर आते समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता। इस बीच ये बहस जो है ये सदन में भी देखने को मिली, लेकिन इन सबके बीच जो परिवहन मंत्री है वो यह कहते हुए नजर आए कि सभी बसों का इंश्योरेंस है, फिटनेस टेस्टेड, और एक भी डग्गामार बस प्रदेश में नहीं चल रही है। देखिए, बिल्कुल इसी बात पे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने अपना जो विरोध दर्ज करवाया है कि आखिर सच्चाई से परिवहन मंत्री क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए वो चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने कई बार उत्तर प्रदेश परिवहन बसी के ये देखा गया है कि बस के ऊपर छत नहीं है, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। कई बार ये देखा गया है कि बस और कंडक्टर जो है उत्तर प्रदेश परिवहन की बस को धक्का लगा रहे हैं क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जो जन सुविधाओं से जो जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, लेकिन आज जब सदन में इसको लेकर चर्चा करी गई, क्योंकि देखिए अंतिम दिन है, सभी लोग जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अतुल प्रधान ने भी इस मामले को उठाया, लेकिन उस बीच जो दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी करी, वो चाहे विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो या फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को लेकर हो, कि कहीं पर भी एक भी डग्गामार बसें नहीं चल रही, जहां पर भी जो बसें चलनी है उनके बाकायदा परमिट है, उन बसों की जो हालत है वो एकदम ठीक है। जबकि कई बार विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि लगातार जो बसें चलती हैं वो खस्ता हाल बसें होती हैं, ना ही उसमें महिलाओं की बैठने की कोई सही तरीके की सुविधा होती है, ना ही उसमें पुरुषों के लिए होती है। सच्चाई से वो रूबरू नहीं होना चाहते हैं और सदन को वो दूसरे मुद्दे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जबकि सभी को पता है कि परिवहन विभाग का किस तरीके से हाल है। दयाशंकर सिंह ने जब अपनी देखिए बात रखी, हालांकि जो सुरेश खन्ना है उन्होंने जब बीच बचाव किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का देखिए कहना यही है कि दयाशंकर सिंह को सच्चाई को मानना चाहिए कि परिवहन विभाग जो है वो किस तरीके की स्थिति से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में डग्गामार बसों का देखिए जाल बिछा हुआ है, जिसके चलते परिवहन विभाग को भी नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग जो है वो लगातार घाटे में जा रहा है। अगर लखनऊ से किसी को दिल्ली जाना हो, परिवहन निगम की अगर एक आंकड़ों के छोटे से देखा जाए, लगभग 10 बसें हो मान लीजिए, वहीं पर डग्गामार जो बसों की संख्या है वो 1000 से ज्यादा है, और उसमें जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें जो है उनसे लगभग 100 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए परिवहन विभाग को भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान होता है, जो डग्गामार बसें होती है उसमें यात्रियों को किराया ज्यादा देना पड़ता है, तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। इसको लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने आज विधान परिषद में मुद्दा उठाया है, लेकिन दयाशंकर सिंह ने उनकी किसी भी बातों को नहीं सुना। हालांकि उन्होंने अपना ही पक्ष रखकर ये कह सकते हैं कि इसको एक किरकिरी करा दी है कि कोई भी डग्गामार बसें नहीं चल रही, जबकि देखिए ये सच्चाई नहीं है। कई तरीके से डग्गामार बसें चल रही, हालांकि जो परिवहन विभाग है वो कार्यवाही करता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो परिवहन की बसें हैं उनकी सूरत बदलनी चाहिए, जो बस के जो स्टॉपेज हैं, जो बस के बात करी जाए जो स्टेशन हैं वो पीपी मॉडल पर होने चाहिए। हालांकि अभी विभाग की तरफ से त्रिशला ये भी कहा गया था कि बसों के अंदर जो एक जापानी जो डिवाइस है, यानी जो पैनिक बटन है वो लगाया जाएगा, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। लेकिन देखिए जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं कई हद तक कह सकते हैं कि वो इन सभी सुविधाओं से दूर है, क्योंकि जब देखिए एक आम यात्री बस के अंदर यात्रा करने जाता है तो अगर उसको सीट पट्टी मिलती है, पंखा नहीं होता है, कोई दुर्घटना होने पर बॉक्स नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि बस और कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, उनका व्यवहार नहीं ठीक होता। अभी भी एक कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक कंडक्टर की एक महिला से जो है वो झड़प हो गई थी। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर देखिए आज विपक्ष जो है, क्योंकि अंतिम दिन भी है सदन का, कई मुद्दों पर जो है वो कह सकते हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं उनको घेरने का प्रयास कर रहा है, वो चाहे परिवहन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो चाहे कृषि से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर बिल्कुल, बिल्कुल, आज बिल्कुल, संदीप, बिल्कुल बिल्कुल संदीप